अब बात मत कीजिएगा, बाकी सारा काम कर सकते हैं। ए वायर इज वेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। साइड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, करेंट इक्वल टू 5 एम्पियर, बी फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 टेस्ला। और लिख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। डायरेक्शन ऑफ बी फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। हेलो एवरीवन, ओके देन फाइंड मैग्नेटिक फोर्स on one of the side of the triangle and net force, then find magnetic force on one of the side of the triangle and net force on whole triangle. देखिए सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, राइट। नेट फोर्स क्या हो जाएगा पूरे ट्रायंगल पे? 0 हो जाएगा, करेक्ट है ना? लेकिन 0 तभी हो पाया जब बी फील्ड आपका इन्फॉर्म था, और बी फील्ड इन्फॉर्म नहीं रहता तो क्या 0 होता? नहीं होता। उसके बाद वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी एक साइड पे पी क्यू पे ही निकालिए, तो फोर्स ऑन पी क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आई डी एल क्रॉस बी लिखें या डायरेक्ट आई एल क्रॉस बी लिख दें? लिख सकते हैं, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये तो काम कर ही सकते हैं सिर्फ पी क्यू के लिए, राइट। तो क्या हो जाएगा? आई ए आई कैप, करेक्ट है ना, अक्रॉस बी माइनस के कैप, ये समझो मैंने आई कैप क्यों दे दिया, और आई क्रॉस माइनस के कितना होगा? जे। तो भाई इस साइड पे अगर फोर्स लूप के अंदर जा रहा है तो यहाँ भी लूप के अंदर ही रहेगा, यहाँ भी लूप के अंदर ही रहेगा, करेक्ट है ना? नेट फोर्स तो 0 होगा, बट यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज़ आप जानिए, जैसे कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, करेक्ट है ना? तो एक ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो एम जी यहाँ पर दिखाते हैं, बट एम तो यहाँ भी है, तो जनरली हम लोग सेंटर ऑफ मास पे एम जी दिखाते हैं, करेक्ट। वैसे ही अगर पी क्यू को ही कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं? पी क्यू को कंसीडर किए, करेक्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक पी क्यू है, तो डी एल डी एल डी एल इन्फाइनाइट डी एल है, तो यहाँ पे भी डी एफ आया ना, यहाँ भी डी एफ, यहाँ भी डी एफ, और सारा डी एफ मिलकर एफ बन गया, सारा डी एफ बन गया, क्या बन गया है?
तो यहाँ पे एक्चुअल में कहीं पे भी अगर फोर्स दिखाना रहेगा इस पी क्यू लेंथ पे, तो हम लोग मिडिल पॉइंट पे दिखाएंगे उसको, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कोई स्ट्रेट वायर किसी इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी एक स्ट्रेट वायर है इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उस वायर के मिडिल पॉइंट पे दिखाते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। किसके लिए, इसके लिए यहाँ पे हम लोग जनरली ऐसे दिखा सकते हैं, हाँ ना। और इसका वैल्यू कितना रहेगा, आई ए बी जे, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एवरीवन, आई ए बी, करेक्ट करेक्ट है ना। तो भाई इस पे किधर लगेगा, यहाँ भी तो इसके मिडिल पे लगेगा, इस वायर के परपेंडिकुलर, और इस पे भी किधर लगेगा, मिडिल पे इस वायर के। तो आप इसको अगर तोड़कर भी बनाना चाहते तो तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और तीनों वेक्टर 120 120 120 पे है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है। ऐसे भी तोड़कर भी प्रूफ कर सकते थे, हालांकि यहाँ पे तोड़कर प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट, लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि कभी अगर नॉन इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहा तो F1 F2 F3 अलग अलग निकाल कर आप काम कर सकते हैं, करेक्ट है ना। मतलब इसको मैं तोड़कर समझाना चाहा, मतलब पी क्यू पे अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो उसको मिडिल पे दिखा दीजिएगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हो गया, हो जाएगा ना एवरीवन। ए वी इनफाइनाइटली लॉन्ग और ए वी है इनफाइनाइटली लॉन्ग, करेक्ट। इसमें करंट I1 और इसमें करंट फ्लो रहा है I2। फाइंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फाइंड द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। टू करेंट कैरिंग वायर बोथ आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, करेक्ट, देन फाइंड द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फाइंड द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। हालांकि उससे बेटर रहेगा कि सिर्फ इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट, इस डीएल लेंथ पे ही सिर्फ निकालिए, इस डीएल लेंथ पे पहले, देखिए सबसे पहले तो आपको एक स्मार्ट आइडिया आना पड़ेगा, थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को एडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे एवरीवन, इस डीएल पार्ट पे जो फोर्स रहेगा वो डीएफ बोलेंगे, हाँ है ना। और यहाँ से कोई लेंथ ले लीजिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, मिनट आई बाई टू पाई। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ बोल देते हैं, डिस्टेंस लेट अस सपोज डिस्टेंस इज एक्स, डिस्टेंस क्या है, एक्स है, जहाँ पे मैं डीएल ले रहा हूँ। आप इसको चाहेंगे तो इस डीएल डीएल इक्वल टू आप ए भी लिख सकते हैं, डीएक्स आई कैप, करेक्ट, डीएक्स। और जनरली हम लोग डीएल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, डीएल का डायरेक्शन क्या है, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट क्या है, तो डीएफ इक्वल टू क्या लिखिएगा,
आई डी एल क्रॉस बी, तो बी किसका, आई वन का, तो करंट किस पे, तो क्या आई इसके लिए लिख सकते हैं आई टू डी एल क्रॉस बी, आई टू डी एल क्रॉस आई टू डी एल के बदले लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप अक्रॉस बी का वैल्यू म्यू नॉट आई वन वाई टू पाई एक्स, करेक्ट। अब यहाँ देखिए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे बी फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल भी तो ले सकते हैं, माइनस के कैप, वेरी गुड, माइनस के कैप, तो आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, इसका मतलब इस पे फोर्स किधर रहेगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे, इसका मतलब है कि इस डीएल एलिमेंट पे फोर्स इज पैरेलल टू आई वन, फोर्स इज पैरेलल टू आई वन, ठीक है ना। तो डीएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एवरीवन, तो सर म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय टू पाई एक्स, ये तो कुछ छूट तो नहीं रहा है, करेक्ट है ना। अब अगर पूरे फोर्स को मैं याद रखिएगा, पूरा फोर्स अगर निकालना रहता तो क्या करते, इंटीग्रेट करते कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहता, करेक्ट। तब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं ऑलमोस्ट इनफाइनाइट फोर्स रहता, इसलिए मैंने पूरे वायर पर निकालने से बच गया और आपको बताया सिर्फ डीएफ पे। तो एक्चुअल में इस, तो सर इसमें फिर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो डीएफ का मैग्नीट्यूड बाई डीएक्स, डीएक्स मेरे यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, इसलिए नहीं तो डीएक्स का मॉडल्स ले सकते हैं, क्या रहेगा ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव आएगा इन दोनों के बीच में, अगर इसके वजह से इस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो पूछ, टोटल फोर्स इस वायर पर नहीं पूछ सकते हैं, बट फोर्स पर यूनिट लेंथ तो पूछ सकते हैं, तो म्यू नॉट आई वन आई टू बाई वाट टू पाई एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ तक हो गया। चलिए इसमें आई वन इसमें आई टू बोथ आर वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनिट लॉन्ग मान लीजिए, ठीक है, और दोनों के बीच में गैप डी है, बताइए दो पैरेलल करंट, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, पक्का फोर्स निकाल के दिखाई, तो इस पर डीएल लेंथ पे, इसका डीएल लेंथ पे फोर्स लगाइए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए, समथिंग लाइक दिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस डीएल एलिमेंट पे डीएफ फोर्स निकालिए, किसके वजह से, इसका करंट एलिमेंट लेंगे तो फील्ड इसका लेंगे, ओके okay, तो डीएफ के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, डीएफ के लिए लिखेंगे सर आई टू डीएल अक्रॉस व्हाट बी, यही रहेगा ना, आई टू डी एल, और इसके लिए क्या जे कैप लिख दें अक्रॉस बी, के लिए क्या लिखिएगा म्यू नॉट आई वन वाई टू पाई डी, और उसके लिए क्या लिखें जे क्रॉस माइनस के, क्या होता है माइनस आई, मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, करेक्ट करेक्ट है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर जितना डी इस जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा
उतना ही फोर्स तो ए, हाँ ये इस पे भी लगेगा, और इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, इसका मतलब दोनों पे फोर्स डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, और दो पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपेल करता है या ट्रैक करता है, अट्रैक्ट, यहाँ से भी समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव आएगा नीट वाले बच्चे, ठीक है यही आ जाएगा, करेक्ट है ना, समझे नहीं समझे। तो इसका डी एफ बाई डी एल कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई व्हाट, टू पाई हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा। इसका मतलब दो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, एक थ्योरी जैसा ही इसको याद कर लीजिएगा, वन ड्यू टू टू और टू ड्यू टू वन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मान लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास तीन करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और दो में पैरेलल करंट है एक में अपोजिट है, कैसे उसको अरेंज करना चाहेंगे, दैट्स व्हाई आपस में टच में ना आए, नहीं समझे। तीन वायर आपको दे दिया गया है जिसमें दो में पैरेलल करंट है और एक में अपोजिट, तब आपको सजाना है, तो सर अपोजिट वाला को बीच में रख देंगे, उससे दो फायदा, एक क्या करेगा इसे रिपेल करेगा, ये भी इसे क्या करेगा रिपेल करेगा, करेक्ट, और ए आपस में अट्रैक्ट, बट इसको ये तो ए रिपेल करके काउंटर करते रहेगा, तो इस तरीके से एक दूसरे के टच में नहीं आएगा, करेक्ट है ना। फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू, सही है, अब फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन, अट्रैक्शन का आया क्या है रिपल्सन का, इस पे तो दोनों रिपल्सन का ही रहेगा, आया ना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री एंड फोर्स ऑन, सॉरी इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, करेक्ट है ना, ये क्या रहेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, आया क्या रहेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो बहुत देखिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, दो पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा, दो अपोजिट करंट पैरेलल है कि उसमें कौन करंट अपोजिट है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और उसमें जनरली ऑब्जेक्टिव जो मेडिकल का आ सकता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाएगा। पिछले क्लास में हम लोग इस टाइप का एक प्रॉब्लम किए थे ना, याद है आप लोग को, देखिए यहां से यहां तक का लेंथ फाइनाइट है, इसका लेंथ एल है, और इसमें करंट आई टू फ्लो कर रहा है, तो इस फाइनाइट लेंथ के वायर पे टोटल फोर्स निकालिए, डू इट फर्स्ट। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली ए फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं,
जनरली हम लोग डीएफ से स्टार्ट करते हैं राइट, बट सर यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि इस इनफाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से यहाँ पे बी फील्ड, यहाँ पे बी फील्ड, यहाँ पे बी फील्ड, कमेंचूड और डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम है, इसका मतलब इस सेक्शन के लिए बी फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है? और वही सिचुएशन अगर ऐसा था, अगर ऐसा रहता तब डीएफ निकालना पड़ता पहले। इस टाइप का ओरिएंटेशन के लिए यहाँ पे बी फील्ड, यहाँ पे बी फील्ड, यहाँ पे बी फील्ड, सेम या डिफरेंट? नॉन यूनिफॉर्म, बट इस तरीके का ओरिएंटेशन के लिए यूनिफॉर्म। समझ रहे मेरे बात को? तो यहाँ अगर ऐसा रहता तो डीएफ स्टार्ट करता है, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, बट इसमें डायरेक्टली इससे काम चल जाएगा, करेक्ट है ना? दैट्स, समझे एवरीवन? तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, आई टू एल, इसको हम लोग वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, आई टू जे क्रॉस बी किसका लेंगे, वन का। बट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एक मिनट, फाइंड द फोर्स ऑन वन ड्यू टू, तो उस केस में अगर वन का करंट लेता हूँ, स्टार्ट करेंगे इसका फील्ड, नहीं तो लेंदी हो जाएगा ये भाई, फाइनाइट लेंथ का है तो वहाँ पे तो रेडीमेड आपको फिर एंगल निकालना पड़ेगा, करेक्ट? तो उससे बेटर है कि न्यूटन थर्ड लॉ लगा देंगे हम लोग, क्या करेंगे इसके वजह से इस पर फोर्स लगा निकालेंगे। पूछा क्या जाएगा, पूछा ऐसे जा सकता है, फाइंड द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उसमें उस टाइम पे करंट इसका, फील्ड इसका, जो कि मेरे डिफिकल्ट सिचुएशन होगा। तो हम लोग वी आर वेरी स्मार्ट पीपल, नहीं भी है फिर भी बोलिए तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसके इसका फील्ड लेंगे, इस पर फोर्स निकालेंगे, और इसका फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा, इसका फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा लेकिन, बट इसका फील्ड क्या रहेगा, और इस पर फोर्स निकालेंगे इसके वजह से। अब फिर नीचे एक लाइन लिख देंगे, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जितना बड़ा फोर्स लगाता है, दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही मैग्नीट्यूड लगा का फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, करेक्ट? तो आई टू एल जे क्रॉस म्यू नॉट, बोलिए भाई, कुछ नहीं है, टू पाई डी, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये तो ऐसे भी समझ में आ गया था कि अट्रैक्शन का फोर्स है, राइट, पैरेलल है, तो म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाय टू पाई डी, यस, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी आई कैप, करेक्ट है ना? देखिए ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसका साइड लेंथ बी है, ए बी सी एंड डी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द स्क्वायर लूप, इसमें करंट आई टू है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Find out the net force on the loop.
देखिए पहला बात ये कि ए लूप अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो इस वायर के पास आएगा या दूर जाएगा? दूर जाएगा, दूर जाएगा, करेक्ट। इस पे रिपल्सन, इस पे जीरो नहीं होगा। जीरो कब दिया गया था? व्हेन करंट कैरिंग लूप प्लेस इन इनफॉर्म बी फील्ड, करेक्ट। यहाँ पे आपका बी फील्ड इनफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक बी फील्ड, यहाँ जो बी फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अब तोड़कर बनाना पड़ेगा हर सेक्शन के लिए, कर है ना। बट ए और बी पे ये तो पहले से ही फार्मूला पिछले क्लास में रेडी किए थे ना एवरीवन। एक ऐसा प्रॉब्लम बनाए थे इस टाइप का, हाँ ना, बोलते ही नहीं हैं, करेक्ट। तो फोर्स ऑन ऐसे निकालेगा, नेट फोर्स के लिए ए लिखेंगे ना, फोर्स ऑन ए बी प्लस व्हाट, फोर्स ऑन, जब कोई भी आपका क्लोज लूप रहेगा और इनफॉर्म भी फील्ड नहीं रहेगा तो अगर हो सकता है तो उसके एलिमेंट को, उसके सेक्शन को ब्रेक करके बनाइए, करेक्ट। फोर्स ऑन ए बी प्लस फोर्स ऑन बी सी प्लस फोर्स ऑन सी डी प्लस फोर्स ऑन व्हाट, डी ए। फोर्स ऑन ए बी का फार्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे शायद, म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय एल एन, यस। तो यहाँ पे बी वाई हो जाएगा ना, ए एल था, ए क्या था, बी वाई ए। इस सेक्शन पे डायरेक्शन किधर रहेगा फोर्स का? आई क्रॉस माइनस के, आई क्रॉस माइनस के, कितना के क्रॉस आई, जे। भाई इस पे फोर्स इधर रहेगा बट उसका वैल्यू तो इतना रहेगा, अगर फोर्स ऑन ए भी निकालेंगे तो। यहाँ देखिए व्हाट अबाउट फोर्स ऑन सी डी, डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा या सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, करेक्ट। म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई टू पाई, और कुछ था एल एन, यहाँ पे कुछ और सेक्शन नहीं था, एल एन वन प्लस बी वाई ए माइनस जे कैप हो जाएगा, क्योंकि करेंट का डायरेक्शन जस्ट। इसका मतलब इस सेक्शन और इस सेक्शन का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। बट इस सेक्शन का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, करेक्ट है ना। दैट्स वाई फोर्स ऑन ए डी क्या होगा? फोर्स ऑन ए डी तो क्या इसको इसको मिला के जीरो कर दें? ए जीरो हो जाएगा। फोर्स ऑन डी ए, पहले डायरेक्शन यहां बताइए, डायरेक्शन के लिए रहेगा माइनस जे क्रॉस माइनस के, तो माइनस जे क्रॉस माइनस के, जे क्रॉस के आई, ऐसे भी रिपल्सन अपोजिट करने के बीच में क्या रिपल्सन, रिपल्सन में ऑलवेज एक दूसरे से दूर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू और डिवाइड बाई फाइनाइट लेंथ है ना, इसका यहां से लेकर यहां तक बी फील्ड इनफॉर्म रहेगा। इस सेक्शन के लिए बी फील्ड इनफॉर्म, इस सेक्शन के लिए बी फील्ड नॉन इनफॉर्म, इस सेक्शन के लिए बी फील्ड इनफॉर्म, इस सेक्शन के लिए बी फील्ड नॉन इनफॉर्म। तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई ए बी और यहां पे आई कैप। अब फोर्स ऑन बी सी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई ए प्लस बी और ऊपर में, तो ऑब्वियसली ए फोर्स बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, ए फोर्स क्या है? छोटा है, तो नेट फोर्स निकल जाएगा। तो इस तरीके का सेक्शन में ऐसे निकालना है, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए, तो कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई बी वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस बी आई कैप। ये
ए प्लस बी आर माइनस ए आर डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है ना, ए इंटू ए प्लस बी। म्यू नोट आई वन आई टू बाई टू पाई ए ए प्लस बी इंटू व्हाट बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड बाई इसका डायरेक्शन रहेगा। डी में तो रिपल्सन होगा ना, माइनस जे क्रॉस माइनस ए रहेगा, इसके वजह से इनवर्ट फील्ड है राइट, किधर है आउटवर्ड है इनवर्ट है, इनवर्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। इन द गिवन फिगर the wires AB and PQ carry constant current I1 and I2 respectively. In the given figure, wire AB and PQ, दो अलग अलग वायर है, carry constant current I1 and I2 respectively. फुल स्टॉप। पी क्यू इज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एम, पी क्यू इज ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास एम एंड लेंथ एल, फुल स्टॉप। ए बी एंड पी क्यू आर बोथ हॉरिजेंटल, ए बी एंड पी क्यू आर बोथ हॉरिजेंटल and kept in same vertical plane and kept in the same, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ए बी एंड पी क्यू आर बोथ हॉरिजेंटल एंड केप्ड इन द सेम वर्टिकल प्लेन, फुल स्टॉप। द पी क्यू इज इन इक्विलिब्रियम एट हाइट h, the PQ is in equilibrium at height h, find, पहला क्वेश्चन, find h in terms of I1, I2, L, M and G and other standard constant, find h in terms of I1, I2, L, M G एंड अदर स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट, जो भी म्यू नोट वगैरह आता है। पहले डायग्राम आप लोग देख लीजिए, यहाँ देखिए ये वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है और ए है पी क्यू,
ए फाइनाइट लेंथ का, ए इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें करंट आई वन है, इसमें करंट आई टू है, अरे है पी क्यू। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और मास कितना दिया हुआ है, एम। और इसके बीच में हाइट कितना है, एच। और कौन इक्विलिब्रियम में है, पी क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो बस हैंग किया हुआ है और इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है। आप ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें अपोजिट करंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, करेक्ट, और एक फोर्स क्या रहेगा, एम जी। इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट, इतना ही तो करना था एवरीवन। और एफ वी का वैल्यू म्यू नॉट आई वन आई टू और डिवाइड बाई टू पाई, एक तो सही है, तो यहाँ से एच नहीं निकल जाएगा, एच इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल वाई टू पाई एम जी, दिस इज द आंसर। तो बिल्कुल नीट लेवल का प्रॉब्लम है, समझ गया ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ा टफ बनाया जाए, चलिए नहीं, हाँ वो एडवांस ही हो जाएगा, इसको एस एस एम से रिलेट करते हैं। कुछ एस एस एम का इक्वेशन तो पता है, पढ़ाया तो थे कि एस एस एम का यह इक्वेशन होता है, दिस इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, एस एच एम। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ए सेक्शन लिक्विड का है, करेक्ट है ना, और यहाँ पे कोई वुडन ब्लॉक है, ए सी वर्मा का ऐसा क्वेश्चन है, ये रेस्ट में है, किसमें है, इसको स्लाइटली ज़्यादा नहीं थोड़ा सा नीचे करके छोड़िएगा, अब बाकी एयर रेस्ट्रिक्शन वगैरह को इग्नोर करते हैं, तो जो परफॉर्म करेगा वो भी क्या रहेगा, एस एच एम रहेगा। तो भाई ए तो रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो नहीं देखिए थोड़ा नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सिव का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो कई में रहेगा, ऊपर का फोर्स ज़्यादा, नीचे का फोर्स क्या रहेगा, कम हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर आके फोर्स क्या हो जाएगा, और सुबह इसी पे तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग रेसर मोशन में, और यहाँ पर जीरो होगा, बट जीरो होते होते स्पीड आ जाएगा, उसके वजह से ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे आकर क्या होगा, कम्स इनटू रेस्ट, ऐसे एस एच एम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन एस एच एम करने, लिखिए बना ही लेते हैं क्वेश्चन, जितना देर में आपको समझा रहा हूँ उतना देर में सॉल्व हो जाएगा। इफ वायर पी क्यू इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, इफ वायर पी क्यू इज डिस्प्लेस्ड वर्टिकली बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, देन प्रूव दैट इट परफॉर्म एस एच एम, देन प्रूव दैट इट परफॉर्म एस एच एम, एंड आई ऑल्सो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, एंड ऑल्सो फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। अच्छा ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, क्या प्रूफ करने से आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि एस एच एम का इक्वेशन है, तो सर एस एच एम का इक्वेशन, और भाई एस एच एम का इक्वेशन इसी टाइप का होता है ना, एक्स इक्वल टू व्हाट, अगर मैंने ए इस टाइप का प्रूफ कर दिया एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तब तो डैम श्योर आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ या ना, दिस इक्वेशन ऑफ व्हाट, और ये पूरा क्या कहलाएगा, ओमेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा,
राइट, और ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2π/ ओमेगा। मतलब मैं अगर इस टाइप का इक्वेशन तक आ जाते हैं तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि हाँ SHM है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में या स्मॉल, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करने से ओसिलेशन होता, SHM नहीं होता। ओसिलेशन होता लेकिन SHM नहीं होता, करेक्ट है। लेकिन इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना पड़ेगा। एक कोई यहाँ देखिएगा, इसको नहीं हटाना है, इसको फिक्स कर दिया गया है। क्या किया गया है? फिक्स। एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेते हैं, करेक्ट है। और यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एच। वाई का कोऑर्डिनेट एच है। और इस पोजीशन से ऊपर या नीचे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लेते हैं इस वायर को थोड़ा ऊपर, करेक्ट है। इस ये गैप को मान लेता हूँ बाई, इस गैप को क्या मान लेते हैं? बट बाई इज ग्रेटर देन एच या लेस लेस देन एच? स्मॉल बोला गया है, तो इस एच के रेस्पेक्ट में ये जो मेरा बाई है, या इसको आप डी बाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते थे? डी बाई, लेकिन कुछ ले लेते हैं बाई ही ले लेते हैं, ठीक है। या एक काम कीजिए, इस पूरे को ही बाई ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बाई इक्वल क्या है? एच। और यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या ले लिया? बाई लिया। यहाँ तक तो सही है ना? तो भाई ए गैप कितना रहेगा? मेरे डायग्राम में बाई माइनस एच रहेगा। मेरे डायग्राम में क्या रहेगा? बाई माइनस एच रहेगा। यहां देखे, इस पोजीशन पे जब इस पोजीशन पे आए हैं तो इस पे फोर्स क्या रहेगा? एवरीवन सर, एक फोर्स तो रहेगा एम जी, और कौन सा फोर्स रहेगा? एफ वी, करेक्ट। और एफ वी का वैल्यू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2π/y, 2π/y। और यहाँ पे क्या रहेगा? एल ना, करेक्ट है। अब बोलिए नेट कौन सा फोर्स ज़्यादा बड़ा हो गया है? मैग्नेटिक फोर्स कम हो गया, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। वजह? फील्ड वीक हो गया ना, फील्ड स्ट्रांग रहा या वीक हो गया है? वीक हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया है, मैं ऊपर लेके गया। ये डिस्प्लेस करने का मतलब ऊपर भी कर सकते थे और नीचे भी कर सकते थे। तो सारे फोर्स का कंपोनेंट, तो आप एफ इक्वल टू नेट फोर्स के लिए भाई ए तो लिख सकते हैं, एफ वी का मैग्नीट्यूड जे कैप है ना, अब प्लस एम जी, तो इसका बाई कंपोनेंट कितना होगा नेट फोर्स का? एफ वी माइनस एम जी, इज इट राइट? एफ वी माइनस एम जी, कोई बात नहीं, ये निगेटिव है, डोंट वरी, ये क्या है? निगेटिव है। यहाँ तक लिख सकते हैं, सही है ना? 2π। Thank you.
कोई प्रॉब्लम? ये तो भाई लिख ही सकते हैं, करेक्ट। इसे कॉमन क्या ले लेंगे, वन बाई वाई माइनस वन बाई एच, करेक्ट है। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग अगर x इक्वल टू जीरो यहाँ मानते तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहता, हालांकि सॉरी y इक्वल टू जीरो तो ज़्यादा बेटर वे मैं आपको समझा पाता। मैं तो समझ रहा हूँ कि इसका मेन पोजिशन y इक्वल टू h के राउंड ऑसिलेट करेगा, राइट। अगर यहाँ पे y इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पे ही मान लेते तब ज़्यादा बढ़िया सही क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं। तो एच माइनस वाई यहाँ देखिएगा, एक काम कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे बाई इक्वल टू जीरो मान लें, तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे ही y इक्वल टू जीरो मान रहा हूँ और मेरा ये वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे y ये हो गया, अब y का वैल्यू लेस लेस देन h ये मान रहे हैं, करेक्ट ना। तब नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू और डिवाइड बाई टू पाई, बोले क्या लिखे, बाई प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बाई प्लस एच एल जे अब प्लस वाट एम जी माइनस है, यहाँ तक आइए। तो हालांकि वहाँ से भी हुआ था बट यहाँ उस लेवल तक अभी मैं आपको एस एच एम का, क्योंकि एस एच एम का इक्वेशन ऐसा भी होता है एक्चुअली, डी टू एक्स माइनस एक्स नॉट
बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है, जिसमें एस एच एम अराउंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे होता है। बट अभी हम लोग वहाँ तक नहीं देखे हैं, इसलिए मैं इसी को यहाँ को ही बाई इक्वल टू जीरो कर दिया आपको सिर्फ फिल कराने के लिए कि हाँ इक्वेशन आता है। चलिए एफ वाई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू, आप लोग थोड़ा बहुत तो बोला कीजिए, टू पाई, बोलिए बाई प्लस, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं किया, यहाँ पे बाई इक्वल टू जीरो ले लिया, यहाँ पे बाई बाई इक्वल टू जीरो ले लिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, ये ठीक है, सही है। म्यू नॉट आई वन आई टू और डिवाइड बाई टू पाई बाई प्लस एच, एल तो यहाँ रहेगा ही, अब माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू एल टू पाई एच, ये लिख सकते हैं करेक्ट, और यहाँ पे जो भी कॉमन है टू म्यू नॉट आई वन आई टू एल बाई टू पाई वन बाई बाई प्लस एच माइनस वन बाई एच, एग्री ना, वन प्लस वन बाई बाई प्लस एच माइनस वन बाई एच, एलसीएम ले लीजिए, एफ वाई इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाई कितना हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच इंटू बाई प्लस एच इक्वल टू एच लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन, तो एफ वाई इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट आई वन आई टू एल वाई टू पाई, यहाँ पे बाई प्लस एच इक्वल टू मैं एच लिख रहा हूँ, एच हो जाएगा, तो यहाँ का एच है यहाँ का एच क्या हो जाएगा, हाँ या ना, और इसके बदले एम ए वाई क्या लिखेंगे एम ए वाई, तो ए वाई इक्वल टू क्या माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू एल वाई टू पाई एच स्क्वायर एम। तो आज के बाद कभी भी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स या ए वाई इक्वल टू माइनस के वाई इस टाइप का अगर इक्वेशन आता है, इसका मतलब किसका इक्वेशन है एस एच एम, मतलब पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा एस एच एम, और इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पे फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, मतलब एक भी हम, तो एस एच एम ऑलवेज मीन पोजिशन के अबाउट होता है, मीन पोजिशन क्या होता है जहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है जीरो, करेक्ट। तो क्या इसको ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, इसको किससे कंपेयर कर दीजिए ए वाई इक्वल टू व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, हालांकि वहाँ से भी बनता जहाँ पे बाई इक्वल जीरो, बट उसमें बाई माइनस एच ए रहता, तो उससे मैं बचने के लिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ पे ओमेगा का काम कौन करेगा एवरीवन, रूट ओवर यहाँ के बाद तो बोल ही सकते हैं आई वन आई टू एल वाई टू पाई एच स्क्वायर एम, तो क्या टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम निकल जाएगा, बट अगर बाई अगर इफ वाई लेस लेस देन एच नहीं रहता तो क्या ए जम्पशन ले पाते, जब ये नहीं ले पाते तो क्या सिर्फ बाई यहाँ पर नजर आता, तब वो एस एच एम नहीं रहता, ओसिलेशन हो सकता, ओसिलेशन होता बट वो एस एच एम परफॉर्म नहीं करता, इसलिए एस एच एम होने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से करना है हम इक्वल पोजिशन से या स्लाइटली, तो ये हो गया किस क्वालिटी का जी मेन क्वालिटी का, ठीक है, तो नीट वाले बच्चे खुश रहिए, यहाँ यहाँ तक नहीं आएगा, अरे यहाँ तक आएगा तो छोड़ के आ जाइए, उसके बाद दो बायो बना लीजिए, अचार केमिस्ट्री बना लीजिए, तो टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम पीरियड निकल जाएगा टू पाई वाई, लेकिन अब तो बना सकते हैं, अब तो बन जाएगा, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में थोड़ा सा भी इधर से उधर अगर होता है कॉन्फ्रेंस भी जाता नहीं आगे ब्लैंक, एकदम सही कहावत होता है क्या होता है दिन में तारे नजर आना, नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन है ना,
मतलब आधा लोग तो घड़ी देखते रहते हैं और जो टिक टिक जो काउंट होता रहता है प्रेशर इंक्रीज कर देता है। और अगर डू एंड डाई का सिचुएशन है कि नहीं नहीं कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, तब तो और भी ज़्यादा प्रेशर, इसलिए बहुत सारा प्रेशर उनके लिए क्रिएट होता है जो सही से तैयारी करके एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं। हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सबसे ट्रिकी बात था इसको रिप्लेस करना। अरे ए स्ट्राइक ए, यहाँ पे एक बार सीख लिए डिटो। अब कहाँ का अप्लाई करना है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, एसएचएम में, कहाँ पे इस टाइप का 5-6 बार आएगा सेम डिटो। कहाँ करना है, फ्लूड मैकेनिक्स में एमजी को रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। एमजी अगर रिप्लेस नहीं होता तो नज़र नहीं आता, करेक्ट। इसका टाइम पीरियड का आंसर है 2π√hg। क्या सही है, इसका टाइम पीरियड का आंसर है √2π√hg। टाइम पीरियड का कितना था, 2π ओमेगा। ओमेगा कितना था एवरीवन, रूट ओवर म्यू नॉट I1 I2 2π h² ना। दोबारा एच लिख दें तो सर बात तो एक ही है, इसके बदले एम जी कर दें। भाई ऑप्शन में जो रहेगा वही तो मिलाना पड़ेगा। ये कितना है एम जे, कितना था एम जी बाई एम एच, एम जी बाई एम और एम कैंसिल, तो बचेगा क्या जी बाई एच, क्या बचेगा ऑप्शन में ही आंसर दिया हुआ था 2π√ओवर एम जी बाई एम एच, तो एम और एम कैंसिल, तो 2π√ओवर एच बाई जी, ये आंसर दिया हुआ था। मतलब तो यहाँ पे आने के बाद भी हम कॉमन लेना पड़ा, तो वहाँ से ही आगे चलते। देखिए आगे काम क्या करते, एक मिनट आगे क्या काम कर सकते थे कि एम जी को ही, मतलब यहाँ पे जो लिखे थे, लिखा था मैंने म्यूनोट I1 I2 L डिवाइड बाई कितना 2π π+h था ना, बाई प्लस, इसके बदले ही हम लोग क्या लिख देते यहाँ से भी काम कर, नहीं एम जी नहीं एम जी एच, एम जी या एम जी एच है ना, ऐसे भी काम कर सकते थे, तो वहाँ से ही एम जी रहता, लास्ट में कट कुट क्या आता जी बाई एच, कोई बात नहीं है। तो इसके टर्म में लाए फिर भी तो बन गया, ऑप्शन में जो रहेगा उसी में टिक लगाना है, तो इस तरीके से भी आंसर रहेगा, ये भी करेक्ट है। आप तो सर सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा करते तो ये भी उतना ही करेक्ट है जितना वो करेक्ट है, करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिए टॉर्क ऑन क्लोज लूप इन यूनिफॉर्म बी फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, किस लिए दे रहे हैं, यूनिफॉर्म बी फील्ड के लिए। बोले क्या फॉर्मूला होता है, किस पे, अगर मेरा कोई एक लूप है एनी लूप और यूनिफॉर्म बी फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म बी फील्ड में है, करेक्ट है ना, तो
टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, क्या रहेगा आपको नहीं था क्या? डिटो फार्मूला किसके साथ सिमिलर हो गया? पी क्रॉस ई, डाइपोल मोमेंट के साथ। डाइपोल मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो उस पर टॉर्क, वहां तो मैं प्रूफ भी कर दिया था कैसे फार्मूला आया है, राइट। तो उस पर टॉर्क का फार्मूला था क्या? पी क्रॉस ई, यहाँ पर फार्मूला क्या है? एम क्रॉस बी, जहाँ पर एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, ठीक है, लूप ना हो के मैग्नेट भी तो हो सकता है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ले लेंगे, फार्मूला पे कोई फर्क पड़ेगा या सेम फार्मूला रहेगा? एनीवे, बट एक किसके लिए फार्मूला दिया गया है? नॉन इनफॉर्म बी फील्ड के लिए या इनफॉर्म बी फील्ड के लिए? नॉन इनफॉर्म बी फील्ड रहेगा तो फिर हर सेक्शन पे टॉर्क अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे हम लोग फोर्स हर सेक्शन में अलग निकालते हैं, वैसे टॉर्क भी क्या करना पड़ेगा? अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम डॉट बी, ये दो फार्मूला लिखिए, माइनस एम क्रॉस बी और मैग्नेटिक पोटेंशियल इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। तो वहां पे क्या फॉर्मूला रहा होगा? माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट, इस पे क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी, पहले फार्मूला तो लिखिए। यहां देखिएगा, हाउ मच वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, हाउ मच वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट वेन इस लूप को पकड़ कर यहाँ ले आए, कहाँ से कहाँ? यहाँ से। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके okay. क्या होगा? टू आई स्क्वायर, सही तो है, करेक्ट। यहां देखिए, सब मेरे साथ बोलिए, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? सर ए भूल गए तो क्या होगा? ये भी तो दिमाग में आ जाएगा, सर ए भूल गए तो, ये तो नहीं बोलेंगे ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू व्हाट? एफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो दो ही चीज तो आपको है बट नहीं भूलना चाहिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। तो ये जो आप इस पे को फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट, और आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पे किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? तो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे फील्ड फोर्स है, और किसी भी फील्ड फोर्स के अगेंस्ट
मतलब इच एंड एवरी पॉइंट पे वर्कडन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स का मतलब होता है कि इच एंड एवरी पॉइंट पे जितना फील्ड फोर्स का वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड उतना ही फोर्स लगाएंगे। डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट, इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है ये तो पढ़े होंगे आप लोग, मैं नहीं पढ़ाया लेकिन बार पढ़ लीजिए, मैं वो मेरे तरफ देख रहे हैं। चलिए तो क्या बोल सकते हैं, चेंज नहीं जानते तो बस याद रखिएगा एक थ्योरम है, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल जी यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल जी रहेगा, तो फाइनल पोटेंशियल जी माइनस इक्वल टू होता है किसका वर्क डन, फील्ड फोर्स का या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, ए स्टैंड फॉर अगेंस्ट द फील्ड फोर्स राइट। तो ई एफ कितना, तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड करेक्ट, मतलब के कैप। और फील्ड क्या है, माइनस के कैप करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, तो जब फाइनल निकालिएगा तो माइनस एम डॉट बी क्या हो जाएगा, एम बी है ना, कुछ बोलिए भाई। और एम का वैल्यू कितना, आई ए स्क्वायर, ये होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट किसी लूप का। इनिशियल कितना रहेगा एवरीवन, सर अगेन माइनस एम डॉट बी, अब यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस एम बी करेक्ट है ना। माइनस एम बी कैसे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के, अब फील्ड भी किधर के, तो के डॉट के कितना वन, और आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, तो ए कितना रहेगा, माइनस ए ए स्क्वायर बी। तो माइनस आई ए स्क्वायर बी माइनस माइनस आई ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। ए ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है, हो गया ना। चलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप पढ़ी हैं, पढ़े हैं, टॉर्क नहीं जानते बट क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी करेक्ट, यहाँ देखिएगा। ओके एवरीवन, सब लोग ध्यान से देखिए, मानते हैं लोहे का फ्रेम है, करंट करिंग वायर, इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा मोमेंट ऑफ, इसलिए क्लास करते रहिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो अभी निकालने के लिए दो ही लेक्चर तो हुआ है रोटेशन का, या इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट निकाल सकते हैं, हाँ या ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई एडिटिव प्रॉपर्टी है करेक्ट, कितना इसमें सेक्शन, चार ना, वन टू थ्री फोर, इस सेक्शन का कितना रहेगा, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, एम एल स्क्वायर बाई, इसका कितना रहेगा ट्वेल्व, और इसका कितना रहेगा, ये अगर ए है और ए कितना है मान लेते हैं बी, बाद में पढ़ाएंगे ठीक है। तो इसका रहेगा, इस सेक्शन का रहेगा एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसका कितना रहेगा एम ए स्क्वायर बाई, और दोनों को जोड़ देंगे स्केलर वाइज करेक्ट, ऐसा कितना रहेगा, एम ए स्क्वायर बाई द प्रॉब्लम एम, भाई यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास डिफरेंट डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो लिखिएगा ना डी एम ए स्क्वायर डी एम, और ये डिस्टेंस कितना ए बाई टू कितना, तो एम क्या हो जाएगा इसका, अगर मास एम थ्री मान लेते हैं इस पूरे सेक्शन का, तो एम थ्री ए बाई टू का स्क्वायर करेक्ट है ना, हाँ या ना। तो वैसे चारों का निकाल के ऐड कर लेंगे, मान लेते कभी भूल गए तो मोमेंट ऑफ क्या कीजिएगा, तो सेक्शन को तोड़ कर निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, बिकॉज मोमेंट ऑफ क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो सर इस बात पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा डिबेट हो रहा हूँ मतलब इस टॉपिक से, बट यही सेम टॉपिक पे ही आने वाले हैं। एक्चुअल में टॉर्क तो निकालने के लिए आपने सीख लिया, और इसके बाद आपको फ्लक्स भी जानना है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और बाद में अल्टरनेटिंग करंट। तो माने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, एक फार्मूला होता है,
तो यहाँ से अल्फा तो निकालना पड़ेगा, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो सर अल्फा का रिक्वायरमेंट क्यों होगा, तो भाई अल्फा निकलेगा तो ओमेगा निकलेगा, हाँ या ना। ओमेगा निकालने का तरीका, तो भाई ओमेगा के लिए तीन फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, राइट। बट ये फार्मूला नहीं लगता कि सिमिलर टू वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ये फार्मूला कब काम आएगा, ये सर्कुलर मोशन पढ़े थे, जब अल्फा और जब वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल रहेगा तो नहीं बनेगा। आज ही सुबह के क्लास में लोग पढ़ा रहे थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ax कितना तरीके से वेरी करता है, अल्फा भी कितना तरीके से वेरी करेगा भाई, फोर्थ तो होगा नहीं सर। क्या हो सकता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, राइट, और एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो वेरी करेगा तो इसके थ्रू जाएंगे, करेक्ट है। चलिए तो जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा बात, वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग फार्मूला को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जो मोमेंट ऑफ पूछ रहे थे इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछ रहे थे क्या, यहाँ पे आते हुए फर्स्ट टर्म के लिए आप रोटेशन का जब मांग रहे थे, वो आएगा तो कहीं भी अगर फ्रेम रहेगा और उसका अगर अल्फा निकालना रहेगा, टॉर्क पता है और अल्फा निकालना रहेगा या टाइम पीरियड निकालना रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो रिक्वायरमेंट होगा ही। एनीवे यहाँ देखिएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा एन, तो टॉर्क किस पे परपेंडिकुलर रहेगा, एम पे और बी पे, यही तो ना क्रॉस प्रोडक्ट का क्वालिटी, इस पर भी परपेंडिकुलर, अगर थीटा जीरो रहेगा तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। तो थीटा जीरो का मतलब ए और ए दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल, क्या हो जाए, पैरेलल। और थीटा अगर पाई रहेगा तो तभी साइन पाई जीरो, तभी टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। और फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एम एंड बी मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा कित क्या रहेगा, 90 हो या 270 हो, 90 या मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखेंगे बी कांस्टेंट, ये बी फील्ड दिखाया हूँ, ठीक है, बी क्या है, कांस्टेंट है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, नेट फोर्स क्या, इनफॉर्म बी फील्ड में क्लोज लूप चाहे किसी भी शेप का हो तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। नेट फोर्स जीरो बोल सकते हैं क्योंकि बी क्या है, कांस्टेंट इनफॉर्म, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो ए मेरा लूप इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, भाई इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो, तो टॉर्क एक बार निकाल के देख लीजिए, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए टी इक्वल टू जीरो के लिए, टी इक्वल टू तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो भाई एम का डायरेक्शन क्या रहेगा, बोला कीजिए क्या समस्या है आप लोग के साथ, के कैप, करेक्ट, और B क्या है, I कैप, तो भाई K क्रॉस I क्या होता है, K क्रॉस I माइनस J, तो J ना, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर B, एक कैसे रोटेट करेगा,
क्या बोले? तो वहाँ पे कंपनसेट कर लिए, ठीक है। पहले कैसे घूमेगा वो बताइए। वो तो आई छूट गया बाई मिस्टेक। हाउ इट रोटेट? डायग्राम बनाई तो कैसे रोटेट करेगा? ये सब लोग को बोल रहा हूँ। ओमेगा का यहाँ देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस अगर ये रिंग है और रिंग का मास एम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रिंग का पता है क्या है? एम आर स्क्वायर। बट यहाँ पे जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा वो उसका मोमेंट एम आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। ए भाई घूमने वाला है इस लाइन के अबाउट। किस लाइन के अबाउट? अबाउट दिस लाइन। एग्री ना? ये क्या रिंग ऐसे घूमेगा? रिंग ऐसे नहीं घूम रहा है। रिंग कैसे घूम रहा है? ऐसे, क्योंकि वो टॉर्क का डायरेक्ट। यहाँ देखिएगा, इफ आर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ आर स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर इनिशियल एंगुलर नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स क्या है? मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि इसमें करंट का, यहाँ ऐसे सोचिए करंट का फ्लो हो रहा था, इनिशियली यहाँ पे बी फील्ड नहीं था। आप करंट का फ्लो हो रहा था और ये रेस्ट में था, मतलब देखिए आपका ऐसे मार्क्स, फोर मार्क्स मिल गया, टॉर्क का वैल्यू निकाल के बता दिए, फोर्स नेट फोर्स बता दिए, बट इसके बाद ही तो शुरू होगा अल्टरनेटिंग करंट, करेक्ट, या जो भी फ्लक्स का कहानी। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे मेरा रिंग रेस्ट में था। रेस्ट का मतलब ना ही घूम रहा था किसी एक्सिस के बाद और ना ही मूव ट्रांसलेट कर रहा था, करेक्ट, और आपने टी इक्वल जीरो पे बी फील्ड को ऑन किया। तो बी फील्ड ऑन किए तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? जो वस्तु जैसे है वैसा ही रहना पसंद करेगा अंटिल अनलेस कोई इस पर एक्सटर्नल, ना ही एक्सटर्नल फोर्स लगे ना ही एक्सटर्नल टॉर्क लगे। आप दोनों बात बोलेंगे, ना ही एक्सटर्नल फोर्स लगे और ना ही एक्सटर्नल टॉर्क लगे। जैसे जनरली अभी तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं ना, डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो न्यूटन डी एल बाई, एक्चुअली जैसे आप डी पी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एक कौन सा लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ भाई, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है। डी एल बाई डी टी इक्वल टू वाट? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू वाट? टॉर्क एक्सटर्नल। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टाइम इक्वल टू एफ। और दोनों कौन सा फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में, करेक्ट। एनीवे तो मान लेते हैं कि इसका ओमेगा क्या था, ना ही लीनियर स्पीड था और ना ही एंगुलर स्पीड रेस्ट में है। जैसे ही बी फील्ड को ऑन करते हैं क्या ट्रांसलेट करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूएक्स जीरो है, वेलोसिटी क्या है? लीनियर वेलोसिटी जीरो और लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या है? जीरो। तो ट्रांसलेट नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट रोटेट? क्योंकि टॉर्क तो लगना शुरू हो गया और टॉर्क किस डायरेक्शन में लगा है? अलोंग वाई एक्सिस। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन किधर प्रोड्यूस करेगा? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब ऐसे नजर आएगा ना भाई, कैसे नजर आएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब तो ये पूरा फ्रेम ऐसे घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा फ्रेम ऐसे नहीं घूमेगा। पूरा फ्रेम कैसे घूमेगा? मान लेते पूरा फ्रेम मेरा व्हाइट बोर्ड में था तो ये बाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है ना? विजुलाइज हुआ? ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप जानते हैं एम आर स्क्वायर, वो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ नहीं है। वो किसका एक्सिस के अबाउट था? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इसके अबाउट था, राइट? इसके अबाउट क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। बाद में पढ़ाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कौन सा, करेक्ट। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास देखा जाए, आज का इतना ही रहने दीजिए। हाँ एक मिनट, जो टॉर्क का डायरेक्शन है वही तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा,
जो टॉर्क का डायरेक्शन रहेगा वही किसका रहेगा? हाँ, ये तो सिंपल सा। आप लोग रुकिए एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए, ये तो वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं भाई। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम है, तो टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा, मोमेंटम से तो पॉजिटिव रहेगा, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन वही तो अल्फा का। और एक मिनट, इनिशियली ओमेगा क्या था? जीरो। तो भाई वो रोटेट किधर करना स्टार्ट करेगा? उसको रोटेशन में लाएगा कौन? अल्फा। तो अल्फा का जो डायरेक्शन रहेगा वही उसका रोटेशन का डायरेक्शन बन जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, करेक्ट। पहले रेस्ट में था, बाद में उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगा, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक वाइज अलॉन्ग जे। इसका दो ही चीज़ हो सकता था, या तो जे नहीं तो माइनस जे, तो मेरा क्या आया है? जे आया है। जे का मतलब यहाँ देखिए, जे का मतलब अल्फा का डायरेक्शन है, तो अल्फा तो आएगा ड्यू टू रोटेशन ना, मतलब ये कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा, करेक्ट। और यहाँ से एक मिनट, यहाँ से जो आपका अल्फा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सर यहाँ पे टॉर्क टी वाई, टॉर्क का वाई कंपोनेंट इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर बी लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे? आई अल्फा वाई, आई जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, करेक्ट। तो यहाँ से अल्फा वाई अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? आई पाई आर स्क्वायर बी, करेक्ट। इसमें कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो अगर एक कांस्टेंट है तब आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइन ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इन टू टी। ये सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं, बट ये फार्मूला तब लगाते हैं जब अल्फा कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से ओमेगा ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और तब दे दिया जाएगा इसी क्वेश्चन में आप इन दिस टाइम इंटरवल हाउ मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच? हाँ, तो डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू व्हाट? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट। या इतना टाइम में कितना बार रोटेट कर जाएगा? इतना टाइम में कितना टाइम्स रोटेट कर जाएगा, करेक्ट। लेकिन एक घूम ऐसे भी है, घूमते हुए जैसे ही ऐसे होगा तो उस टाइम पे क्या जीरो हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? मैग्नेटिक मोमेंट और बी फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और बी फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ या ना भाई, ये ऐसे था घूम के ऐसे आया, राइट। इसका मतलब है कि जब 90 और 270 कितना से, जैसे ही 90 डिग्री से रोटेट करेगा, ये पहले ऐसे व्हाइट बोर्ड में था, 90 डिग्री से रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब फिर 270 से रोटेट करेगा तो अगेन टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब ये फ्रेम मेरा 90 से रोटेट करेगा तो एम और बी पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल नहीं तो एंटी पैरेलल, करेक्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।